नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइफ News24। जिला संवाददाता अहम शंकर सोनी के साथ आज जिला मुख्यालय बालोद के शासकीय ITI औद्योगिक शिक्षण केंद्र बालोद में जनजातीय समाज के जो गौरवशाली इतिहास है उनके अतीत की जानकारी एवं जो रानी दुर्गावती की 500वीं शताब्दी जयंती पर आज शासकीय औद्योगिक ITI प्रशिक्षण केंद्र बालोद में जो आदिवासी समाज के इतिहास के संदर्भ में जो उनके क्रांतिकारी वीर हुए हैं जैसे अवीर नारायण सिंह है, रानी दुर्गावती है और अनेक ऐसे जो आदिवासी समाज के जो क्रांतिकारी निकले हैं उनके संक्षिप्त जानकारी एवं उनको शहादत को याद करते हुए आज शासकीय ITI स्कूल में आज जो कार्यक्रम हुए जो समाज के जो आदिवासी समाज है उनके इतिहास जो क्रांतिकारी उनको याद करते हुए मनाया गया, जिसमें हमारे बालोद जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन साहू एवं जिला पंचायत सदस्य कृतिका साहू एवं सरपंच संघ के जो अध्यक्ष हैं अरुण साहू एवं सुरेंद्र साहू ये सभी अतिथिगण के रूप में वहां पर उपस्थित रहे। इस जो कार्यक्रम की शुभारम्भ जो अतिथि आए हुए थे उनके द्वारा चित्र प्रदर्शित करके की गई और जो ITI के छात्र द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ी जो गाना है अरपा पैरी के धार के गाना के आरंभ द्वारा ही इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ और इस जो ITI के छात्र छात्राओं द्वारा बहुत से ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने और सुनने को मिला जिसमें आदिवासी संस्कृति और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित किए गए और जो रंगोली प्रतियोगिता यहाँ पर छात्राओं के द्वारा की गई और जो इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान एवं द्वितीय स्थान प्राप्त की उनको जो आए हुए अतिथि द्वारा भी इन लोगों को प्रतीक पत्र और जो सम्मान देना था उसे सम्मान को देकर इन सबको पुरस्कृत भी किया गया और यहाँ पर उपस्थित जो अतिथि आदरणीय पवन साहू एवं जो सरपंच बालोद जिला के संघ के अध्यक्ष थे और गणमान्य जो अतिथि थे उनके द्वारा जो आदिवासी समाज के जो इतिहास और जो संस्कृति है उनके बारे में सभी को जानकारी प्रदान किया गया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन साहू ने इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में क्या कहा ये सुनते हैं, तो बने रहिए पब्लिक लाइफ News24 जिला संवाददाता हेम शंकर सोनवानी के साथ। थैंक यू। आज सरकार के द्वारा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जिस प्रकार से जनजाति गौरव के अतीत के बारे में सभी छात्रों को नौजवानों को जानकारी होनी चाहिए ऐसी बातों को लेकर आज इस बालोद के ITI में छात्रों के बीच प्रबोधन कार्यक्रम रहा और उसके हमारे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर देवेंद्र महाला जी रहे। सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती रहती है पर जिस नौजवान को जिस युवा को देश की इतिहास मालूम ना हो ये बहुत ही भ्रामक स्थिति भी पैदा होती है उसके कारण और ये बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा करने वाले नौजवान होते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, वीर शहीद वीर नारायण सिंह जी इनके इन सब के इतिहास की जानकारी इन जनजाति गौरव के अतीत कार्यक्रम में दिया जाना है और ऐसे कार्यक्रमों के आप लोगों के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी होना चाहिए और देश के इतिहास को जो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जिन लोगों की शहीद हुए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया उनका नाम आज भी ठीक से नहीं जाना जाता था अब इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों को जानकारी होगी और अपने क्षेत्र के भी शहीद हुए लोगों का और जनजाति समाज के लोगों का जो इस देश में की आजादी में जो अपना समय दिए जिन्होंने अपना जान गंवाया जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया उन सब की जानकारी आपके नौजवानों को होगी। धन्यवाद। Yeah.
नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं शंकर सोनानी, जिला संवाददाता बालोद। आज हम बालोद जिले की बड़ी खबर बताते हैं, जिसमें बालोद जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अवैध रूप से गांजा मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के चार आरोपी को जो बालोद जिला के डोंडीलवाड़ा थाना है के जो स्टाफ है उनके द्वारा पकड़ा गया। इस कार्य में श्रीमान महान पुलिस निरीक्षक महोदय श्री राम गोपाल गर्ग के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालोद एस आर भगत के द्वारा अपने समस्त थाना प्रभारी और चौकियों को दिशा निर्देश दिया गया था कि किसी प्रकार का मादक पदार्थ जैसे गांजा तस्करी आदि को पकड़ने के लिए दुरुस्त रहे और तंदुरुस्त रहे, और इसी कार्य को करने के लिए बालोद पुलिस जितने भी थाना आते हैं उनको गश्त बढ़ाई गई थी, जिसके अंतर्गत दिनांक 17/10/2024 को रात्रि में मुखबिर के द्वारा पता चलने पर बस्तर भानु प्रतापपुर से नाथगांव की ओर से एक सफेद रंग की कार में व्यक्ति अवैध रूप से अधिक मात्रा में गांजा तस्कर कर रहे थे, जिसमें इस सफेद रंग की कार क्रमांक MP 28CG 1575 को रोक कर चेक किया गया, जिसमें चार व्यक्ति बैठे थे। इस को रोक कर पूछने पर अपना नाम प्रेम सिंह रावत, आकाश चौहान और प्रशांत ओगले, मोहन सतनागर बताया, और साथ ही सभी सकिन जो जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। कार की तलाशी करने पर उनके कार से लगभग जो MP 28CG 1575 की कीमत करीब 3 लाख रुपए जुर्माना और कीमती 3,90,000 रुपए जब्त कर अपराध दर्ज किया गया। इसमें लगभग 12 किलो गांजा भी इन लोगों के कार में जब्त किया गया, और इस उपरोक्त कार्रवाई में थाना डोंडीलवाड़ा से थाना प्रभारी प्रभारी निदेशक विया यादव, सहायक उप निरीक्षक आत्माराम धनेलिया, प्रधान आरक्षक यज्ञदत्त ठाकुर, लीलेश्वरी देवांगन आर, पूनम खरे एवं समस्त पुलिस अधिकारी जो डोंडीलवाड़ा थाना के तेईस गांजा तस्कर को पकड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जानकारी हमें बालोद पुलिस विभाग से प्राप्त हुई है। किस प्रकार से बालोद पुलिस विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है कि जिस प्रकार से गांजा तस्कर जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के चार आरोपी रहने वाले थे, उन्होंने उनकी कार जो भानु प्रतापपुर से होकर नाथगांव की ओर जा रही थी और मुखबिर के द्वारा बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी को रोक कर जो 12 किलो जो गांजा और 3,90,000 की जो नकदी राशि जो बरामद की गई है। तो बने रहिए पब्लिक लाइव न्यूज 24 जिला संवाददाता हम शंकर सोनानी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव